जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैरबराबरी बढ़ी है। एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। हम उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जिनकी वजह से ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित रहा। मुझे याद है बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर थे और गेट पे भी कई महत्वपूर्ण नेता थे। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उस समय जो सूझबूझ से और जिस बहादुरी और साहस के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया, उसका परिणाम यह हुआ कि संसद भवन तो बचा ही बचा, बल्कि उस समय बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण नेता देश के बैठे थे, उन सबको बचाया जा सका और देश पूरा आतंकवादियों के हवाले हो जाता। मुझे याद है सबसे पहले जो महिला कांस्टेबल थी कमलेश कुमारी, उसके देखने के बाद सभी सुरक्षा कर्मियों को पता लग गया था कि यहाँ पर ऐसी घटना कोई होने जा रही है। वो मेरे कन्नौज क्षेत्री थी, उसको जब सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप दिया गया तब मैं उसके परिवार से मिला। मैं आज उन परिवारों के प्रति भी अपनी तरफ से सहानुभूति और उनके इस बहादुरी के लिए परिवार का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, संविधान पर चर्चा होनी है, क्या कहेंगे सर? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। सर, ये तो वन नेशन वन इलेक्शन पे संविधान पे चर्चा है आज सर, उस पर क्या कहेंगे? 4 दिन की चर्चा होगी, उस पर क्या? देखिए, संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना, ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रत्यक्ष है, पथ दिखाता है हमें, रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीडीए परिवार और पीडीए के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज को समझते हैं, दूर से देखते हैं, लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर, सदन में लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान के, किन किन मुद्दों को एड्रेस करेगी? मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आजादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो, आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहें ये कि अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर एक पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है, आज हम किस स्थान पे खड़े हैं, ये बड़े सवाल है। और जाति का सवाल आज भी है, जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर, आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल है जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आजादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आजादी देती है हम किसी भी धर्म को माने, धर्म की आजादी मिलती है, और सोशलिज्म हमें आर्थिक आजादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की एक जुगाड़ योजना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये सब, अब क्या बात कर रहे हो आप? आपको सब पता है कि किस अंडरग्राउंड रास्ते से पहुंचे हैं। एक रंगी अंडरग्राउंड विचारधारा के लोग भी हैं, और आपसे बेहतर कौन नहीं समझता कि अंडरग्राउंड पॉलिटिकल योजनाएं भी चलती हैं, उसी का परिणाम है वो जज साहब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।